हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट टी वी एस चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू पटोला स्टूडेंट इन लास्ट वीडियो वी शो टू क्वेश्चन नंबर फाइव टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन इन विच एरिया ऑफ पाटन डज निर्मल्स फैमिली लिव निर्मल की फैमिली पाटन के कौन से एरिया में रहती है आंसर इज निर्मल्स फैमिली लिव्स इन द एरिया नॉन एज सालवीवाड़ा ऑफ पाटन तो कौन सा कौन सा एरिया में रहते हैं सालवीवाडा ऑफ पाटन में रहते हैं देन क्वेश्चन नंबर टू वाई हैज द पटोला हाउस बीन इस्टाब्लिश पटोला हाउस क्यों बनाया गया है सो आंसर इज पटोला हाउस इन सालवीवाडा हैज़ बीन इस्टाब्लिश इन पाटन टू इन्फॉर्म इंडिया एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट द स्पेशल विविंग वर्क ऑफ पटोला क्राफ्ट मैन सो सालवीवाड़ा में पाटल पटोला हाउस इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस वजह से पटोला हाउस की वजह से जो इंडिया है उसे वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बारे में जानकारी देता है पटोला हाउस और टूरिस्ट जो हमारे कंट्री में आते हैं बाहर से तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी टूरिस्ट है उसे हमारी ये जो स्पेशल विविंग की कारीगरी है उसके बारे में और जो क्राफ्ट मैन है उसके बारे में वो जान सके इसके लिए पटोला हाउस को इस्टब्लिश किया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री नेम द फोक सॉन्ग दैट डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ पटोला तो यहाँ पर हमें फोक सॉन्ग लिखना है जो पटोला को डिस्क्राइब करता है सो आंसर इज द सॉन्ग इज छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोला मोगा लाजो नेक्स्ट नंबर फोर विच डिज़ाइन्स हैव बीन काव्ड इन रान वाव बाय इट्स स्कल्पचरर्स तो रानकी वाव wow की जो डिजाइन्स है उसमें स्कल्पचरर ने कौन से डिजाइन्स बनाई है पटोला डिजाइन्स हैव बीन काव्ड इन रानकी वाव बाय इट्स स्कल्पचरर्स तो जो पटोला की डिजाइन्स है वो वाव के अंदर जो भी डिज़ाइंस बनाई गई है तो स्कल्पचरर ने रानकी वाव के डिजाइन में भी पटोला डिज़ाइंस को कार्व किया है मतलब कि बनाया है नंबर फाइव व्हाट इज मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क मलबरी सिल्क कैसे बनता है व्हाट इज मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क मलबरी सिल्क के क्या बनता है जो मलबरी के सिल्क है उससे क्या बनता है द सिल्क थ्रेड यूज इन द वीविंग ऑफ पटोला आर मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क तो पटोला जिस पटोला के लिए जो सिल्क लगते हैं द सिल्क थ्रेड इज यूज इन वीविंग ऑफ पटोला पटोला बनाने के लिए जो सिल्क थ्रेड यूज होता है वो किससे बनते हैं मलबरी सिल्क से बनते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वाई डज पटोला क्लोथ हैव फास्ट कलर पटोला क्लोथ्स के कलर फास्ट के होते हैं द डाईज यूज ऑन द क्रीज क्रॉस ग्रीड आर गुड क्वालिटी सो दे डू नॉट ब्लीड फॉर फ्लेड देअर फॉर पटोला क्लोथ्स हैव फास्ट कलर्स जो ग्रीड बनाई जाती है क्रिस क्रॉस पैटर्न की वो बहुत ही गुड क्वालिटी की होती है और वो यहाँ से वहाँ फ्रेड नहीं होती है इस वजह से पटोला क्लोथ के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच इज़ द फेमस सेइंग इन गुजराती दैट डिस्क्राइब्स द फास्ट कलर्स ऑफ पटोला तो पटोला के जो फास्ट कलर है तो फेमस uh, सेइंग, तो गुजराती में जो फेमस एक कहावत है तो वो कौन सी है पाड़ी पटोला भात पण फिटें नहीं नंबर एट विच क्वालिटीज़ आर वेरी नेसेसरी टू मेक पटोला पटोला बनाने के लिए कौन सी क्वालिटीज बहुत ही ज़रूरी है आंसर इज क्वालिटीज़ ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस आर वेरी नेसेसरी टू डू द वीविंग द डिज़ाइंस एंड कलर डाइंग ऑफ पटोला पटोला बनाने के लिए पेशेंस और प्रिजर्वेंस होना बहुत ही ज़रूरी है विविंग द डिजाइंस एंड कलर डाइंग ऑफ पटोला इसमें पेशेंस और प्रिजर्वेशंस बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन नंबर नाइन जस्ट लाइक पटोला ऑफ पाटन इज फेमस देर आर मैनी प्लेसेज विच आर फेमस फॉर सम पर्टिकुलर थिंग्स गिव सच एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे पटोलाज ऑफ पाटन वो फेमस है कि पाटन के पटोले तो इस तरह के कोई पर्टिकुलर थिंग होती है वो कौन सी जगह की फेमस है वो आपको यहाँ पर लिखनी है सो पटोला ऑफ पाटन शॉल्स फ्रॉम कुल्लू शॉल्स कहाँ के फेमस है कुल्लू मधुबनी पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग सिल्क्स फ्रॉम आसाम एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ कहा की फेमस है एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ बांधनी फ्रॉम जयपुर जयपुर की बांधनी बेंगलोर साड़ी फ्रॉम बेंगलुरु बेंगलुरु से बेंगलुरु साड़ी फेमस है एंड बनारसी साड़ी एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर सेवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज बांधनी वर्क बांधनी वर्क क्या है सिल्क थ्रेड आर ओपन एंड अरेंज वर्टिकली एंड हॉरिजोंटली इन क्रीज क्रॉस मैनर ऑन अ ग्रीड जो ग्रिड होती है उसके ऊपर सिल्क थ्रेड को कैसे अरेंज करते हैं वर्टिकली और हॉरिजोंटली क्रीज क्रॉस मैनर में अरेंज करते हैं देन अ डिज़ाइन इज प्रिंटेड ऑन इट उसके ऊपर फिर डिज़ाइन प्रिंट की जाती है द थ्रेड विथ डिज़ाइन इज मेजर्ड एक्यूरेटली एंड टाइड विथ अ थ्रेड और जो थ्रेड होते हैं उसे एक्यूरेटली मेजर किया जाता है और उसे बांधा जाता है थ्रेड की मदद से दिस टाइंग प्रोसेस इज नॉन एज अ बांधनी वर्क और ये जो टाइंग प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बांधनी वर्क क्वेश्चन नंबर थ्री डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू दे मेक एनी थिंग तो आप ऐसा कोई जगह जानते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं एक ही जगह पर काम करते हैं डू यू नो एनी अदर वर्क क्या आप दूसरा कोई काम जानते हो विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं डू दे मेक एनी थिंग्स तो वहाँ पर क्या वो कोई चीज़ बनाते हैं आंसर इज़ यस देर इज़ अ क्लोथ फैक्ट्री ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अवर विलेज हमारे गांव के बाहर एक क्लोथ फैक्ट्री है मैनी वर्क वर्कघेर में बह, बहुत सारे विलेजर्स वहां पर काम करते हैं मैन कट द क्लोथ टू साइज एंड वुमेन स्टीच ईट तो जो मैन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द साइज और डिज़ाइन के हिसाब से क्लोथ्स को कट करते हैं और वुमेन उसको स्टीच करती है दे मेक शर्ट्स ट्राउजर्स एंड अदर क्लोथ्स फॉर मैन एंड चिल्ड्रन और वो मैन और चिल्ड्रन के लिए शर्ट्स और ट्राउजर्स और अदर क्लोथ्स वहाँ पर बनाते हैं ना लुक ऐट द क्वेश्चन नंबर फाइव और अटैम्प्ट नहीं करना है सो लुक ऐट द क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट कैन वी डू टू स्टॉप द फास्ट डिसअपियरिंग स्किल ऑफ पटोला फ्राम वेनिशिंग एंसर इज टू स्टॉप द यूनिक एंड ब्यूटिफुल हैंडी क्राफ्ट ऑफ पटोला विच इज़ एन आइडेंटिटी ऑफ अवर कल्चर फ्राम वेनिशिंग वी सू वी शूड इंकरेज इट्स क्राफ्ट मैन हमें पटोला के जो क्राफ्ट मैन हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए इवन दो पटोला इज कॉस्टली पटोला कॉस्टली होने की वजह पटोला बहुत ही कॉस्टली है फिर भी हमें उसे क्या करनी चाहिए खरीदनी चाहिए वी शूड बाई इट एंड हेल्प इट्स कस्बीज़ पटोला महंगे होने के बावजूद भी हमें उसे खरीदनी चाहिए और जो कस्बीज़ है उन्हें हेल्प करनी चाहिए द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो गिव दैम फाइनेंशियल एड और जो गवर्नमेंट है उन्हें भी उन्हें फाइनेंशियल मदद करनी चाहिए तो हमारे जो पटोला आर्ट है वो वैसे ही जिंदा रहेगी क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट एल्स डज कार्पेंटर नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क टू डू दिस वर्क दे हैड टू लर्न टू ब्रिंक क्ले मिक्स इट क्या करना होगा उन्हें दे हैड टू लर्न टू ब्रिंक क्ले क्ले लाना सीखना होगा फिर उसे मिक्स करना मेक इट रफ बॉल्स फ्रॉम इट फिर उसमें से रफ बॉल बनाना सीखना होगा पुट इट ऑन द पोटर्स व्हील पोटर के व्हील पर रखना होगा एंड शेप इट इन टू वेरियस वेसल्स और अलग अलग वेसल्स में उसको शेप देना होगा दे ऑल्सो हैड टू लर्न हाउ टू सेट द वेसल्स टू ड्राई इन द सन एंड देन हार्डन दैम इन अन और उन्हें क्या सीखना होगा कि जो वैसल्स है उन्हें कैसे उन्हें ड्राई करना होगा सुखाना होगा और फिर उसे हार्ड करना होगा कि मतलब कि भट्टी के अंदर उसको कैसे हार्ड करना होगा फाइनली दे लर्न टू कलर दिस वेसल्स एंड मेक देम रेडी टू रेडी फॉर सेल और फाइनली उन्हें कलर करना सीखना होगा और वैसल्स को कलर करना सीखना होगा और फिर उसे सेलिंग के लिए रेडी करना होगा बेचने के लिए तैयार करना होगा मेक दैम रेडी फॉर सेल सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू पटोला इज फिनिश्ड इयर सो यू हैव टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग विथ हेम सो यू हैव टू राइट इन ए गुड राइटिंग एंड फिलअप योर वर्क बुक सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न अल्सो ओके बाय बाय थैंक यू